हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर एएनएम 2022 के बारे में। जी अगर आपका जेके एएनएम 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, आप लोगों का सिलेबस क्या है, सिलेबस किस तरह से चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर एएनएम 2022। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों का जो है जम्मू एंड कश्मीर एएनएम 2022 के बारे में हम हर एक डिटेल जानेंगे। लाइक सबसे पहले एग्जाम डेट्स की बात की जाए तो गाइस, अभी तक जो है ऑफिशियल अथॉरिटी के तो आप लोगों की डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल अथॉरिटी आप लोगों की डेट्स अनाउंस करेगी तो डेट्स अनाउंस करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में आप लोगों को जो है हर एक इवेंट की डेट जो है एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट बात कीजिए एप्लीकेशन फॉर्म की, तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जब कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो आप लोगों का एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, मे बी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। तो क्या करना है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो गाइस, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो उन्हें नहीं पता था क्या प्रोसेस है, किस तरह से प्रिकॉशन लेना है ताकि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो गाइस, इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे आप लोग यहाँ पे मैं बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आप लोगों को जो है लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, आप लोगों को फ्रॉम स्टेफन यानी कि आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल एप्लीकेशन फी पे करने तक पूरा आपको कम्प्लीटली लाइव एप्लीकेशन फिल करके बताया जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो। अब एलिजिबिलिटी की बात किया तो मिनिमम 17 ईयर्स आपका रहना चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स रहना चाहिए, 12th पास आउट रहने चाहिए आप। उसी के साथ गाइस, यहाँ पे आपको सिलेबस दे दिए गए, मेन मेन टॉपिक यहाँ से आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। फिर एग्जाम होने के बाद गाइस, आप लोगों का रिजल्ट मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा। मैं रिजल्ट आपका अगर अच्छा है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया रहेगा गाइस, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब गाइस, जितने भी सारे इवेंट्स है लाइक मेरिट लिस्ट रिलीज होना, रिजल्ट डिक्लेयर होना, ये सारे इवेंट होते हैं, तुरंत आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे ताकि आप आसानी से अपना मेरिट लिस्ट चेक कर पाओ, रिजल्ट चेक कर पाओ। सो गाइस, नाउ आई होप अभी आपको कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी जम्मू कश्मीर एएनएम 2022 के रिगार्डिंग। इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस होती, कोई भी हेल्प चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।